नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ प्राथमिक विद्यालय भांडई विकास खंड बरौली अहीर जनपद आगरा। आपको बता दें कि ग्राम प्रधानों के चुनाव हो चुके हैं, जिला पंचायत चुनाव हो चुके हैं। अब नए ग्राम प्रधान से और जिला पंचायत से गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को एक उम्मीद है, वो है विकास की। मेरे साथ में जो भांडई गांव है, प्रधानपति जुगेंद्र मौजूद हैं। सुनीता यहां से जीती हैं और काफ़ी अच्छे वोटों से जीती हैं। जुगेंद्र, क्या कुछ इस समय प्रेजेंट प्रधान मेरी पत्नी धर्मपत्नी सुनीता देवी हैं और जनता ने काफ़ी वोटों से जिताया है और मैं जनता के मान सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। जनता की सभी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। नाली, सड़क, बिजली, पानी और जो भी गांव के कोर पास मतलब गंदगी पड़ी है, घूड़े वगैरह रस्से घेर रखे हैं, वो भी साफ कराने की कोशिश की जाएगी। गांव के लोगों की एक खास जो ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के शमशान घाट की भी स्थिति दुरुस्त नहीं है। नगले की बात करें, एक भांडई का नगला पड़ता है तो वहाँ की जो सड़क है, रोड है, वहाँ पे भी काफ़ी कीचड़ है। वहाँ के लोगों की हमेशा से शिकायत रही है, तो किस तरीके से प्राथमिकता में होगी वो जो काम की वहाँ की ज़रूरत है, वो किस तरीके से प्राथमिकता? देखिए, नंगला पर जो आज की तारीख में है वो नरक बना हुआ है जी। पिछले 40-50 सालों से वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है जी। आज भी मतलब देश हमारा आज़ाद है जी, लेकिन वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, किसी ने भी अभी तक हमसे जो पहले प्रधान रह चुके हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया जी। और आज की तारीख में घोंटी घोंटी पानी भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि वो सड़क बने, सीसी बने और किसी भी तरीके से बने, विधायक के कोटे में से बने या हमारे सांसद जी के कोटे में से बने। हम पूरी कोशिश करेंगे, जहां हमसे विकास मिलेगा सरकार की तरफ से, हम उसे गांव के लिए लेकर आएंगे। और भी लोग हैं, खास करके नगला से ही है मेरे साथ में। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद जी, जैसे इन्होंने भी बताया, हम भी गए थे वहाँ पे, आप तो रहते ही है वहाँ पे, तो कैसे हालात है नगले के? हालात बहुत ख़राब हैं। परिक्रमा मार्ग तो बहुत ही ख़राब है, उस पर घोंटू घोंटू पानी भरा हुआ है। पिछले कई सालों से कोई काम नहीं हुआ और पानी की समस्या ज़्यादा है। लोग वहाँ निकलने के लिए परेशान हैं, न कोई रिश्तेदार आ सकता है, तो गाँव में उसमें बहुत दिक्कत है। जो कोई आगे आकर के काम आता है प्रधान कोटे से या विधायक कोटे से लेके आए, तो पहले नगले पे काम कराएं जी। हमने सुना है, जैसे आपने रिश्तेदारों की भी बात करी, कि कोई बेटी या बेटे के रिश्ते के लिए वहाँ गांव में पहुंचता है तो वो शायद गांव की सड़कों को देख के ही वापस हो जाता है, तो ऐसी भी शिकायतें हैं कुछ? हाँ, ऐसी शिकायतें हैं। जब कोई रिश्तेदार आता है शादी संबंध के लिए, तो वो देख करके वापस चले जाते हैं कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, विजेंद्र सिंह जी हैं, गांव के काफ़ी बुद्धिजीवी भी हैं और तमाम सामाजिक चीज़ों में भाग लेते हैं। गांव की योजनाओं में आपकी सलाह रहती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे गांव के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, क्या कुछ सलाह देंगे नए प्रधानों? आज की तारीख में मैं आपको बता दूंगा कि मैं पहले तो मैं प्रधान और उन सदस्यों को बधाई दे रहा हूं कि इन्होंने बढ़िया काम सूझबूझ के साथ में अपना मतलब आगे कोई झगड़ा टंटा न करके जी। और विजयी हुए ये मतलब आगे ने, और बड़े रिकॉर्ड से 400 वोटों से विजयी हुए हैं। ऐसे प्रधान और ऐसे सदस्यों को मैं आभार देता हूँ और गाँव के विकास के लिए तो मैं आगे भी कहूँगा, पीछे भी मैंने कही है ये बातें। मेरे पास में, मेरा नाम जैन सिंह है, मेरे घर के सामने ही इतनी कीचड़ है, वहाँ निकलने में बड़ी दिक्कत है और नगला वाली समस्या तो बहुत ही वैसी दयनीय है, ख़राब है। यहाँ लोग मतलब आकर में आए दिन परेशान रहते हैं, न कोई मोटरसाइकिल का रास्ता निकलने का, न कोई मतलब आगे चार पहिए के वाहन पर निकलने का, और जो भी रिश्तेदार आते हैं सगाई संबंधों के लिए, वो उस कीचड़ को देख करके, अरे यहाँ हमारी बेटी कैसे आएगी, कैसे पहुँचेगी, तो संबंधों में भी मतलब
हताश आ रही है और वो लोग मतदाता में इस तरीके से चले जाते हैं और दूसरे गांवों में सगाई संबंध करते हैं। बिल्कुल एक हालात तो जब मैं किसी भी जी, तो जी मैं प्रधान से ये निवेदन करना चाहता हूँ, नव जो प्रधान हुए हैं उनसे ये निवेदन करूँगा कि गांव की समस्याओं को किसी भी जाति का हो आदमी सारी बातों को सुन कर के उनका निदान करें और उनका समाधान करें। बिल्कुल, समस्याएं लोग अपनी बयां कर रहे हैं, गांव की समस्याएं बयां कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं प्रधानपति जुगेंद्र से जानना चाहूँगा कि ग्राम सभा का जो कोटा होता है, पैसा आता है विकास के लिए, वो तो आपका है ही है, उसमें कार्य योजना आप बनाएंगे, लेकिन सांसद, विधायक, जिला पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष जो आगे जीतेंगे, जो भी होंगे, उनसे क्या उम्मीदें करते हैं? मैं तो उनसे यही उम्मीदें करूँगा कि जितना भी विकास हो सके मेरे गांव में मिला, क्योंकि मेरा गांव सबसे और पासों के गांव से पिछड़ा हुआ है। विकास के मामले में कभी विकास हुआ ही नहीं है, आज की तारीख में भी 50 साल पुराना ही जैसा लगता है। जो रोड बना हुआ है वो ऐसा ही बना हुआ है। अच्छा, ये सेक्रेटरी क्या देखे गए? ये एक दवा छिड़कने वाली मशीन दे गए जिससे नालियों में मच्छरों की दवाई छिड़की जाए, किसी के घर में ज़्यादा मच्छर हों तो वो भी छिड़की जाए, पोखरों में, गड्ढों में जहाँ मतलब घूड़े वगैरह डरते हैं, गंदगी होती है, वहाँ दवा छिड़की जाए। और सफाई के लिए भी बोल रहे हैं कि गांव में कोई भी मतलब रास्ते में कूड़ा मतलब ऐसे नहीं डालो जिससे कोई दिक्कत हो। बिल्कुल, सड़कें हों चाहे आम रोड हो वो साफ होनी चाहिए। और ये देश के प्रधानमंत्री का भी कहना है कि स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। ग्राम प्रधान मेरे प्रधानपति जोगेंद्र मेरे साथ थे, गांव के और भी लोग मेरे साथ थे, उन्होंने अपनी तमाम समस्याएं बताई जो पिछले दौर में नहीं हो पाई हैं। आप बता दें कि आज वर्चुअल शपथ ग्रहण कार्यक्रम था सदस्यों का और ग्राम प्रधान का। उम्मीद यही करते हैं कि गांव के लोगों के हिसाब से कार्य योजनाएँ बने, सब मिलके जब योजनाएं बनाएंगे, समस्याएं ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी या लेखपाल या अपर अधिकारी सुनेंगे तो गांव की समस्याएं भी दूर होंगी। कैमरे के पीछे आर एन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ।